आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने 171 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कौर ने इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड तोड़े। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शतक जड़ा। बेहद दबाव भरी स्थिति में बल्लेबाजी करने आई कौर ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की और सेमीफाइनल मुकाबले में शतक लगाकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। आइए आपको बताते हैं कि कौर ने इस मैच में कितने रिकॉर्ड बनाए। महिला विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौर ने जैसे 110 रन बनाए, वैसे ही वो किसी भी आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। कौर से पहले ये रिकॉर्ड मिताली राज के नाम था। मिताली ने इसी विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रनों की पारी खेली थी, लेकिन कौर मिताली के उस रिकॉर्ड को तोड़कर उसे अपने नाम कर लिया। मिताली ने इस मैच में 150 सेकंड ज्यादा रन बनाए और की सी भी विश्व कप में भारत की तरफ से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। विश्व कप नॉकआउट में शतक लगाने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शतक लगाया, वैसे ही वो आईसीसी विश्व कप के किसी भी नॉकआउट में शतक लगाने वाली दुनिया की सिर्फ दूसरी खिलाड़ी बन गई। कौर से पहले कैरन रॉल्टन ने ही इस कारनामे को अंजाम दिया था। रॉल्टन ने साल 2005 के विश्व कप के फाइनल मुकाबले में नाबाद 107 रनों की पारी खेली थी। रॉल्टन के अलावा कोई भी बल्लेबाज आईसीसी विश्व कप के नॉकआउट में आज तक शतक नहीं जड़ सका था, लेकिन कौर ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई। विश्व कप के नॉकआउट में 150 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर विश्व कप के नॉकआउट में भारत की तरफ से 150 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। आज तक भारत की पुरुष टीम का भी कोई खिलाड़ी इस कारनामे को अंजाम नहीं दे सका है। भारतीय पुरुष और महिला टीम में कौर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। कौर के अलावा दुनिया के सिर्फ 6 खिलाड़ी ही आईसीसी नॉकआउट में 150 या इससे बड़ी पारी खेल सके हैं।